5 एकड़ की लैंड है जो कि बीपीटीपी स्पेशियो के जस्ट बगल में है। हाफ किलोमीटर और 1 किलोमीटर होगा मैक्स अप्रॉक्स। सो वो डायरेक्ट आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट कर रहा है एंड पूरा जो प्रॉपर्टी होगा वो पोडियम पे होगा। सो पोडियम पे होने से एक बेनिफिट ये होता है कि आपको ओपन स्पेस एंड ग्रीनरी बहुत लार्ज स्पेस में मिलती है। वो प्री लॉन्च प्राइस है दैट वुड बी 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, सॉरी 14,250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो वो आपका 3,000 रुपीज़ का आपको बेनिफिट मिलता है। वैसे ये नेक्स्ट टू बीपीटीपी स्पेशियो के ही है, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं 37D सेक्टर 37D में, जहाँ पर नया लॉन्च आने वाला है। सो जो नया लॉन्च आ रहा है वो 5 एकड़ में आ रहा है। 5 एकड़ में करीबन 250 यूनिट्स होंगी एंड सिर्फ सिंगल साइज होगा, 4 बेडरूम प्लस पूजा रूम या एक्स्ट्रा रूम कह लीजिए। सो अप्रॉक्स 3,500 स्क्वायर फीट का होगा। जो लोकेशन है वो आप सामने देख सकते हैं, ये 5 एकड़ की लैंड है जो कि बीपीटीपी स्पेशियो के जस्ट बगल में है। सो ये जो आ रहा है, ये इसकी अगर कनेक्टिविटी देखेंगे आप तो मेरे राइट हैंड साइड पे आपको कनेक्ट कर रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ से आई मीन हाफ किलोमीटर और 1 किलोमीटर होगा मैक्स अप्रॉक्स। सो वो डायरेक्ट आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट कर रहा है एंड यहाँ से अगर आप मेरे लेफ्ट साइड में जाएंगे सो हीरो होंडा चौक को कनेक्ट कर रहा है। सो 5 एकड़ में जो प्रॉपर्टी आ रही है, जैसे मैंने बताया आपको 250 यूनिट्स आ रही है, जिसका हाइट जो अप्रॉक्स होगा ये पोडियम बेस पे है। सो पोडियम पार्किंग भी होगी एंड पूरा जो प्रॉपर्टी होगा वो पोडियम पे होगा। सो पोडियम पे होने से एक बेनिफिट ये होता है कि आपको ओपन स्पेस एंड ग्रीनरी बहुत लार्ज स्पेस में मिलती है। एंड जो इसकी हाइट होगी दैट वुड बी अप्रॉक्स, बिकॉज अभी रेरा नहीं आया है तो इसलिए मैं आपको टेंटेटिव डिटेल दे रही हूँ, लेकिन जो भी डिटेल दे रही हूँ बिल्डर साइड से ही डिटेल आया है, सो इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सो 31 फ्लोर्स का होगा। सो पोडियम एंड उसके ऊपर भी 31 फ्लोर्स का होगा। सो एंड जो जो हाइट होगी फ्लोर टू रूफ की दैट वुड बी 11 फीट। सो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो माइवन कंस्ट्रक्शन होएगा। सो 11 फीट अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आई मीन अच्छी खासी हाइट होती है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि हाइट अच्छे होने से क्या आई मीन बेनिफिट होता है, दैट कैन बी डिस्कस ऑन कॉल, तो वो हम आपको कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। सो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो क्लब हाउस एमिनिटीज़ जो है वो 7-स्टार एमिनिटीज़ होगी, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ होगी, लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे एंड सिंगल साइज़ होगा। जो प्राइस है, बिकॉज़ आप लोग प्राइस को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं और रखना भी चाहिए, सो जो प्राइस होगा वो लॉन्च प्राइस इज़ 14,000 स्क्वायर फीट, सॉरी 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट प्लस EDC, IDC एंड कवर पार्किंग एंड जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं दैट इज़ 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो टोटल आपका हुआ 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। एंड फिर आपका PLC भी है, बिकॉज़ ये पोडियम पे है तो इसमें PLC भी आएगी। सो सब कुछ मिला के जो इनका प्राइस आ रहा है वो 17,250 आ रहा है। लेकिन अगर आप प्री लॉन्च में लेते हैं या EOI हमें देते हैं, EOI अमाउंट आपको हम कॉल पे डिस्कस करके बता सकते हैं। सो अगर आप पहले EOI देते हैं लॉन्च से पहले, सो जो प्री लॉन्च प्राइस है दैट वुड बी 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, सॉरी 14,250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो वो आपका 3,000 रुपीज़ का आपको बेनिफिट मिलता है। सो वो जो बेनिफिट है वो अभी आप ले सकते हैं। अगर आप 4 बेडरूम प्लस पूजा जो स्पेस है वो अगर आप ऑप्ट करना चाहें, ये साइज़ अगर ऑप्ट करना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। और कॉल पे मैं बता दूंगी कौन सा बिल्डर है। वैसे ये नेक्स्ट टू बीपीटीपी स्पेशियो के ही है, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं तो मैं भी थोड़ी सी खुश हो जाऊंगी। सो बाकी डिटेल्स कैन बी डिस्कस ऑन कॉल। तब तक के लिए नमस्कार, रियल एस्टेट सलाहकार सलाह लीजिए।